नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत गोधन का निवासी दानवेंद्र मेहरा पिता जगत राम मेहरा अपने पिता के खाते से 36,000 रुपए का निकासी पेटीएम ओटीपी और फोन पे ओटीपी के माध्यम से कर लिया। इसकी भनक तक जगत राम को नहीं थी। जिस रुपए का उपयोग दानवेंद्र अपने दोस्तों के साथ दारू में करता था, जिसकी शिकायत जगत राम मेहरा द्वारा जेथरी थाने में कराई गई थी। काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार साइबर सेल की मदद से दानवेंद्र का नाम सामने आया, जिसे जेथरी स्टाफ द्वारा जाल बिछाकर धर दबोचा गया। दानवेंद्र ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस अभी भी जानकारी में जुटी है। इस तरह से और कितने अपराध दानवेंद्र ने किए हैं। अनूपपुर से संवाददाता दीपक मेहरा की रिपोर्ट। दानवेंद्र ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस अभी भी जानकारी में जुटी है। इस तरह से और कितने अपराध दानवेंद्र ने किए हैं। पेटीएम के माध्यम से निकाला हूँ सर। पेटीएम पे ऐड करता था, ओटीपी जाता था पापा के मोबाइल पे, मैं ले लेता था ओटीपी चुपके से। जी सर। अच्छा ये बताओ कितने पैसे अपने पापा के खाते से निकाले? 30,000 सर पेटीएम के माध्यम से निकला है और 6,000 फोन पे के माध्यम से। पैसे कहाँ अकाउंट पे था सर? जब मेरे को जरूरत पड़ता था तो अपने अकाउंट पे ट्रांसफर करके निकाल लेता था। क्या जरूरत पड़ता था, क्या करते थे? पी लेता था सर दारू। साइबर सेल वाले आरक्षक राजेंद्र को बुला करके और इस केस को सॉल्व करने के लिए उसे निर्देश दिए और 5-6 दिन बाद उसने पूरा साइबर सेल का ने पूरा खगोल कर जो बात सामने आई कि उसका लड़का ही दानवेंद्र ही पूरे खाते में हेरा फेरी करके पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। और रात में इसको मैं कल लाके थाने में पूछताछ किया तो ये सारी बात, पहले तो इनकार कर रहा था और थोड़ा सख्ती से पूछताछ करने पर इसने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। और अब इसके पिताजी चाह रहे हैं कि इसमें कार्रवाई ना हो, पर उसमें कार्रवाई अवश्य होगी ताकि ऐसे मामलों में रोक लग सके। अनूपपुर से संवाददाता दीपक मेहरा की रिपोर्ट।